मैम आजकल ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। हाँ तो ऋतु ही है ना हेमंत और शिशिर की। आई लव विंटर मैम। हाँ ये तो सबको ही पसंद आती है क्योंकि एनर्जेटिक रहते हैं और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और इससे पहले आप पूछो ये कब आती है तो बता देती हूँ कि हेमंत आती है नवंबर और दिसंबर के आसपास और शिशिर आती है जनवरी फरवरी के आसपास। पर मुझे तो विंटर सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए पसंद है। पता था मुझे। कल्चरल डाइवर्सिटी गुजरात की नब्स है। गुजरात में स्थित द्वारका और सोमनाथ भारतीय पौराणिक कथाओं के अभिन्न अंग है। आपको जानकर ताजुब होगा पर जूनागढ़ में स्थित गिरनार की पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से भी पुरानी है। जहां एक तरफ गुजरात को आस्था का गढ़ माना जाता है वहां दूसरी ओर प्रकृति प्रेमियों के लिए भी गुजरात कुछ कम नहीं है। फॉर द एडवेंचर ट्रिप्स एंड घूमने फिरने के लिए देयर इज गिर नेशनल फॉरेस्ट, वांसदा नेशनल पार्क, वीरावर कृष्ण योग राष्ट्रीय उद्यान जैसे कई सारे जंगल है जहाँ की प्राकृतिक संपदा गुजरात को अनूठा प्रदेश बनाते हैं। गुजरात के प्राकृतिक और कल्चरल वैविध्य के साथ जुड़ जाती है हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक संस्कृति, तो जन्म होता है एक संकल्पना का, टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। गुजरात के इस अनूठे इनिशिएटिव टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन फूड। तो आइए मिलते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट श्याम प्रिया जी से। चलिए नमस्कार श्याम प्रिया जी। नमस्कार। आज फिर एक बार सवालों का पिटारा लेकर आपको परेशान करने में आ गया हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि आयुर्वेद के पास ही मेरे सारे सवालों के जवाब है। हाँ जी बिल्कुल पूछिए ना। मैम तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आयुर्वेद ऋतु के हिसाब से खाने की एडवाइस क्यों देता है? देखिए हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से। पंच महाभूत तो जानते हैं ना आप, अग्नि आकाश वायु जल और पृथ्वी। और ये प्रकृति का पार्ट है और अगर प्रकृति में चेंज होगा तो हमारे शरीर में भी बदलाव आएगा। यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। तो इस प्रकृति में जब चेंज आएगा और हमारी जठराग्नि में चेंज आएगा तो शरीर की डाइजेस्टिव फायर भी बदलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हर ऋतु में पाचन शक्ति अलग होगी, कभी कम होगी और कभी ज्यादा होगी। तो फिर सभी ऋतुओं में एक जैसा कैसे खा सकते हैं? इसीलिए तो आयुर्वेद में कहा गया कि हर ऋतु का खान पान अलग होता है। अच्छा अच्छा तो ये लॉजिक है इसके पीछे, अब मैं समझा। एक्चुअली जो ये दो ऋतुएं हैं हेमंत और शिशि, ये बहुत खाने पीने वाली ऋतु है। बल बहुत अच्छा होता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। डाइजेशन का तो पता नहीं मैम, लेकिन भूख तो डेफिनेटली ज्यादा लगती होगी। और फिर खाते खाते सीजन के खत्म होने तक इतने मोटे हो जाओगे कि मोटापा घटाने का टेंशन डबल बढ़ जाएगा। लेकिन सावधान, अगर कम खाएंगे और रूखा सूखा खाएंगे तो भी हानिकारक है क्योंकि बड़ी हुई जठराग्नि धातुओं का क्षय करने लगेगी और वात दोष बढ़ जाएगा। अच्छा मैम तो फिर एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से मुझे कुछ ऐसा खिला दीजिए कि मेरे शरीर के धातुओं का क्षय ना हो। घूम फिर कर फिर वहीं आ गए, फूडी जो ठहरे। बहुत बड़ा फूडी हूँ आप जानती तो हैं मैम, प्लीज कुछ कीजिए ना। तो चलिए कैसे ड्रिंक पीते हैं जो राजसी ड्रिंक है, पर जितना पुराना उतना ही उत्तम, और वो है द्राक्षसव। पीजिए ना, कैसा लगा? टेस्टी है मैम। इसे देवों की सुरा भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि सर्दी है और उसे सहन करने के लिए बल चाहिए, तो देवों जैसा बल चाहिए ना। तो मैम वैसे आपके हिसाब से इस ऋतु में क्या खाना उचित रहेगा? देखिए जो आज की जनरेशन का मिथ है कि घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऋतु स्पेशली खाने वाली है, जैसे हलवा खा सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं और कभी कभी अम्ल और लवण रस भी खा सकते हैं। मधुर रस का तो मुझे पता है, ये लवण अम्ल रस क्या? लवण मींस नमकीन और अम्ल मींस खट्टा। बाकी सबका तो पता नहीं लेकिन हलवा सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया मैम। तो चलो खाते हैं ग्रजकम पलंग शाक अवले हम। लीजिए आ गया आपका हलवा। अब ये क्या है?
गाजर और चुकंदर का हलवा। मैम ये कॉम्बिनेशन मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। पर गुजरात में तो ये बहुत फेमस है। अच्छा चखके देखता हूँ। देखो मजा आ गया। तो मैम मैंने ऐसा सुना था कि जब पेट भरता है तो दिमाग ज्यादा दौड़ता है, और जब दिमाग ज्यादा दौड़ता है तो सवाल भी ज्यादा आते हैं। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि हेमंत और शिशिर दोनों में ठंड तो लगती है, पर दोनों में अंतर क्या है? देखो दोनों ऋतुएं आती हैं अलग अलग मास में, लेकिन शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंड पड़ती है और शरीर में ड्राइनेस भी ज्यादा होती है। अच्छा तो शिशिर में ठंड बढ़ जाती है, ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, पर मेरी तो भूख बढ़ गई। तो खाते हैं संपूर का मरीच कम और तिंटी कल कम। मैम ऐसे भारी भरकम नाम कहां से लाते हो आप? लीजिए खाइए। थैंक यू। और जो आप ये भारी भरकम नाम बोल रहे थे ना, ये है गुजरात की भरेला मर्चा और इमली और गुड़ की चटनी। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। इसे पकाया गया तिल के तेल में, तो पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में हमें पित्त शमन करना था, तो व्यंजन पकाया घी में, और शिशिर ऋतु में हमें करना है रुक्षता को कम, तो इसे पकाया गया तिल के तेल में। अच्छा अच्छा। और मैम मैंने ऐसा सुना था कि गुजरात के वढ़वाण में इसी मिर्च की रेसिपी बड़ी फेमस है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फेमस है। और इसी रेसिपी के साथ कुछ बैंगन की सब्जी भी कॉम्बिनेशन में अच्छी लगती है ना? नहीं बैंगन की सब्जी तो नहीं, उसे कहेंगे बैंगन भाजा, यानी कि तैलम भ्रष्ट वृत्तं कहा। ये तो खाया ना मैम, मेरा ये रखा हुआ है। नहीं नहीं बाबा ये तो अलग है। तो लीजिए आ गया आपका बैंगन भाजा। थैंक यू दीदी। मैम वैसे मैं सब खाता हूँ, पर बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे ये तो बहुत लाभकारी है, और रुक्षता कम करनी है ना तो थोड़ा चिकनाई तो चाहिए ना। कैसा लगा? मैम बहुत टेस्टी है, मैंने इतना टेस्टी बैंगन कभी खाया नहीं है। मैंने कहा था ना मैम आज सच में मजा आ गया, इतना कुछ खाया, सब कुछ डाइजेस्ट भी हो गया। यही तो है, इस ऋतु में खाना पीना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन करने वाली ऋतु है। तो अगर खाने पीने वाली ऋतुओं में हम नहीं खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान होगा, और यही तो है ऋतुओं के हिसाब से खाने की साइंस। थैंक यू सो मच इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए। सुना देखा आपको भी भूख लग गई होगी ना, इसीलिए तो कहता हूँ अतिथि देवो भव, जिसकी बेसिक क्वालिटी है, जिसके रोम रोम में बसा है कल्चर, वो है गुजरात। और अगर गुजरात में खाना है, गुजरात को जानना है, गुजरात को पहचानना है और समझना है, तो बस एक ही जरिया है, गुजरात टूरिज्म, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले ऋतु बसंत में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोनों में ठंड तो लगती है।